देखिए, एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं मानना चाहिए। आई को हटा के ये लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मतलब क्या रह गया चुनाव का। जिस तरह से परसेंटेज लोग बता रहे हैं कि ऐसे 51% उसका हो गया, 46% उसका हो गया, किस सीट पे किसको कितना ज्यादा परसेंटेज मिल जाएगा और उस हिसाब से आप निर्णय ले लेंगे। कोई हो सकता है 1.5 लाख वोट से जीत रहा हो और उसका परसेंटेज वहां ज्यादा हो और उससे आप पूरे राज्य का हिसाब किताब कर ले, ये ठीक नहीं है। 2004 में भी इसी तरह के एग्जिट पोल दिखाए गए थे जो एग्जैक्ट नहीं हुए थे। अगर ध्यान करेंगे तो सारे एग्जिट पोल में 2004 में बहुत ज्यादा सीटें दिखाई गई थी बीजेपी को, 2009 में भी दिखाई गई थी, बावजूद वो सत्य से परे थे। तो हम समझते हैं अभी एग्जिट पोल की बात आई है, एग्जैक्ट पोल को आ जाने दीजिए। चार तारीख की बात है, 3 दिन और बचे हैं। हम समझते हैं अभी गोड्डा से और राजमहल और दुमका की तो सीट की गिनती नहीं की होगी, उसके बगैर जेएमएम और कांग्रेस को 2-3-2-3 करके मतलब 4 से 6 सीट दिखा रहे हैं। 3 सीट का तो 5 बजे चुनाव ही हुआ है, 6:30 बजे तक तो पूरा एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं गया है। तभी 2-3% बढ़ते हैं बाद में, जो बढ़ना कहा जाता है और जो लोग शक सुबह करते हैं वही है।